रिसेंटली बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए, और उन सारे स्टार्टअप्स में से जैसे कि जोमेटो हो गया, कार ट्रेड हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, पेटीएम हो गया, नायका हो गया, ये सारे स्टार्टअप्स में से मुझे ज्यादातर स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज दोज स्टार्टअप्स आर बर्निंग कैश। बट देर इज वन एक्सेप्शन, एक स्टार्टअप ऐसा है, एक कंपनी ऐसी है इन सारे स्टार्टअप्स में से जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है एंड जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, एंड उसी के बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले जो मेरी ऑडियंस है उसमें से ज्यादातर ऑडियंस मेल ऑडियंस है, जो व्यूवर्स है उसमें से ज्यादातर ऑडियंस मेल है। अगर मैं आपको मेरे एनालिटिक्स पे लेके जाऊं तो 90% ऑडियंस मेल है एंड सिर्फ 10% ऑडियंस फीमेल है। सो इट सीम्स लाइक दैट जो हमारे देश में वुमन है उनको इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ऑल्दो अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च वुमन आर बेटर इन्वेस्टर देन मैन। सो मे बी ऐसा हो सकता है दैट लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम है अपने पैसों को ग्रो करने में, बट द थिंग इज जो अकॉर्डिंग टू माई एनालिटिक्स जो फीमेल ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा कम देखती है मेरे वीडियोस। एंड ये तो ऑडियंस की बात हो गई, अगर मैं अपने फ्रेंड्स की एंड फैमिली की भी बात करूँ तो मेरी मॉम बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं देखती मेरी, एंड जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है ये जो पीछे आपको फ्रेम दिख रही है दोज आर माई पीपल। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू, दिस इज जो एंड शी नेवर वॉच माई वीडियो, दिस इज जानकी शी ऑल्सो नेवर वॉच माई वीडियो, This is me in the center. This is Milu. She never watch my video. And this is Keval, जो मेरे सारे वीडियोस देखता है। So these girls, जो मेरी best friends है, ये सारे लोग मेरे वीडियोस नहीं देखते, तो मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। But they are gonna watch this particular episode without a miss, because इस episode में मैंने इन सारे लोगों की help ली है। So yes, you guessed it right. This video is about Nykaa. एंड जानेंगे नायका क्यों मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है एज अ बिजनेस, एंड क्यों मैं नायका में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इवन दो स्टार्टअप्स में मुझे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बिकॉज दे आर सो रिस्की। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस सम स्ट्रेंथ, सम थ्रेट्स एंड ग्रोथ एस्पेक्ट्स ऑफ नायका, एंड लास्ट में हम थोड़ी बहुत वैल्यूएशन के बारे में भी बात करेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड, सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड। Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, let me tell you that why I am interested in Nykaa. And the thing is, Nykaa जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, विच इज कॉस्मेटिक एंड बीपीसी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कैटेगरी, बिकॉज माई मॉम इज मेकअप आर्टिस्ट। एंड अगर आपने मेरे मॉम के साथ मैंने एक वीडियो बनाया, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप उसे जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। एंड लाइक बटन के नीचे जा रहे हो तो लाइक बटन को भी प्रेस करना भूलना मत। बट येस, माई मॉम इज मेकअप आर्टिस्ट एंड उनसे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया दैट जो मेकअप इंडस्ट्री है वहां पे ग्रोथ आ सकती है। एंड ये हमें डेटा भी शो करता है, जहां पर अगर हम 2015 से 2019 की बात करें तो जो बीपीसी इंडस्ट्री है इंडिया की वो 13% CAGR से ग्रो हुई है। एंड अगर हम 2019 टू 2020 की बात करें तो यहां पर थोड़ी बहुत डीग्रो हुई थी ये इंडस्ट्री, एंड वी ऑल नो द रीजन बिकॉज ऑफ COVID-19। देन इट इज एक्सपेक्टेड कि 2020 से 2025 तक ये इंडस्ट्री 12% CAGR से ग्रो हो सकती है। एंड राइट नाउ अगर हम बीपीसी इंडस्ट्री के साइज की बात करें इंडिया में, देन इट इज वैल्यूड एट अराउंड 1120 बिलियन INR, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है वो ग्रो हो जाएगी 1980 बिलियन INR तक। अगर हम ऑनलाइन मार्केट की बात करें तो ऑनलाइन ये इंडस्ट्री 60% CAGR से ग्रो हो रही है, 60% CAGR गाइस, दैट इज अ ह्यूज नंबर। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मुझे नायका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। द सेकंड रीजन इज ऑनलाइन पेनिट्रेशन, इंडिया में ऑनलाइन पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी भी जो स्मार्टफोन यूजर है इंडिया में वो अच्छे खासे रेट से बढ़े, बट स्टिल जो ग्रोथ पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। सो यहाँ से भी जो स्मार्टफोन यूजर है वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। एंड स्टिल देर आर मेनी मेनी पीपल जिनके हाथ में इंटरनेट नहीं आया, जो अभी भी 2G कनेक्शन यूज कर रहे हैं। सो ये जो मार्केट है वो ग्रो होगी, तो ये जो ऑनलाइन स्टार्टअप्स है एंड ऑनलाइन बिजनेसेस है वो भी ग्रो होंगे, एंड नायका को इस चीज का भी फायदा होगा। द थर्ड रीजन जिसकी वजह से मुझे नायका पसंद आता है, बिकॉज नायका सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल नहीं करता, सिर्फ एक कॉस्मेटिक कैटेगरी को सेल नहीं करता, नायका सारे प्रोडक्ट्स को, सारी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को सेल करता है। सो द थिंग इज ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, एंड यहाँ पे किसी भी एक ब्रांड या फिर एक कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर नहीं है। सो इस इंडस्ट्री में आई पर्सनली थिंक सो दैट किसी एक कंपनी पे बैट लेने की बजाय नायका पे बैट लिया जा सकता है, जहां पे नायका सारे प्रोडक्ट्स को सेल करती है हर एक कंपनी के। सो यार दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से मुझे ये इंडस्ट्री पसंद है, एंड इस इंडस्ट्री में नायका बहुत अच्छा काम कर रहा है, दैट इज व्हाई आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन नायका। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम स्ट्रेंथ ऑफ नायका, जहां पे जो फर्स्ट स्ट्रेंथ है वो हर एक बिजनेस में रहती है, विच इज पर कैपिटा इनकम इंडिया की ग्रो हो रही है। एंड ये जो चीज है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के हाथ में ज्यादा ज्यादा पैसा आ रहा है, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, ये चीज ऑलमोस्ट सारी कंपनी को बेनिफिट करेगी, एंड वन ऑफ देम इज नायका। द सेकंड इज लार्ज यंग पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन, ये भी बहुत कॉमन स्ट्रेंथ हो जाती है सारी कंपनीज की। जहां पर अगर हम इंडिया के मीडियन एज की बात करें तो इट इज जस्ट 28 इयर्स, एंड वी ऑल नो दैट ये जो यंग मिलेनियल क्राउड है उनको सजना सवरना तैयार होना मेकअप करना कितना ज्यादा पसंद होता है। और यहां पर हमारी बात नहीं हो रही, हम तो 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं, लड़कियों की बात हो रही है जिनको 1-2 घंटे लग जाते हैं रेडी होने में। द थर्ड रीजन इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, द फोर्थ रीजन इज इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन, एंड द फिफ्थ रीजन इज इंक्रीजिंग प्रीमियमाइजेशन। द नेक्स्ट रीजन इज दैट जो नॉन मेट्रो सिटीज है वहां से भी अकॉर्डिंग टू डेटा जो बायस है वो बढ़ रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग अबाउट नायका, दैट नायका को जो नॉन मेट्रो सिटीज है वहां से भी ऑर्डर्स बढ़ने चालू हो गए। बाय द वे ये सारा डेटा मैंने नायका के DRHP से लिया है, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो नायका के बिजनेस को सीखने में, रिसर्च करने में, सो आई हाईली रिकमेंड कि आपको नायका का DRHP जरूर पढ़ना चाहिए। बट द थिंग इज ये पूरा DRHP इंग्लिश में है, एंड मेजरली जो DRHPs रहते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स रहती है, कॉन कॉल्स रहते हैं, कॉन कॉल्स ट्रांसक्रिप्ट्स रहती है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, एंड काफी सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं होते। एंड अगर आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, सो देयर इज अ वेरी यूजफुल ऐप कॉल्ड Cambly, जहां पर Cambly इज द ओनली ऐप इन इंडिया जो 1-on-1 इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस प्रोवाइड करता है विद ट्यूटर्स जो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से होते हैं, एंड उनसे डायरेक्टली प्रैक्टिकली इंग्लिश में बात करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। जहां पर Cambly में आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट कोर्सेज को चूज कर सकते हो, जहां पर इंग्लिश स्पीकिंग हो जाता है, बिजनेस इंग्लिश हो जाता है, IELTS हो जाता है, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट हो जाता है। एंड पर्सनली मैंने भी Cambly को यूज किया, एंड ट्रस्ट मी जो ट्यूटर्स है Cambly पे वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली एंड सपोर्टिव है, एंड वो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करते हैं आपके वीक एरियाज को इंप्रूव करने में इंग्लिश स्पीकिंग में। एंड द ग्रेट थिंग अबाउट दीज ट्यूटर्स आर दैट वो आपको जरा भी जज नहीं करते आपके इंग्लिश स्पीकिंग से। एंड स्पेशली फॉर यू गाइज देयर इज वन कोड एज वेल PC22, जिसको अगर आप यूज करते हो किसी भी 3 मंथ या फिर उससे ज्यादा का प्लान लेने के लिए Cambly पे, तो आपको 22% का डिस्काउंट मिलेगा। सो गो चेकआउट Cambly, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड थैंक यू सो मच Cambly फॉर स्पॉन्सरिंग दिस एपिसोड। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत स्कटलबट किया मेरी मॉम के साथ और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। सो अकॉर्डिंग टू माई मॉम उन्हें नायका क्यों पसंद है, बिकॉज नायका में वो श्योर हो सकती है दैट उन्हें जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एंड द सेकंड रीजन उन्होंने ये बताया दैट कभी कभार Amazon, Flipkart ये सारी साइट पे उन्हें जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए रहता है वो होता नहीं है अवेलेबल। एंड नायका पे काफ़ी बार ऐसा होता है दैट बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स, बाकी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, बट नायका पे स्पेसिफिकली वो प्रोडक्ट उन्हें मिल जाता है। देन आई आस्क्ड माय बेस्ट फ्रेंड्स दैट उन्हें क्यों नायका पसंद है। सो दे टोल्ड मी दैट उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्युइन प्रोडक्ट्स श्योरिटी होती है दैट वहाँ से जो प्रोडक्ट्स है वो जेन्युइन ही आएंगे। एंड ये एक फैक्ट भी है, बिकॉज नायका ने काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप की है, एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स एंड कंपनीज के साथ उनका टाइप है, सो वो डायरेक्टली उन सारी कंपनी से प्रोडक्ट सोर्स करते हैं। सो दैट इज द गुड थिंग अबाउट नायका। द सेकंड थिंग जियो टोल्ड मी दैट बिकॉज ऑफ रिव्यूज, नायका पे उसे बहुत सारे रिव्यूज मिल जाते हैं, और उन सारे रिव्यूज को देख के जहां पर जो कस्टमर्स रहते हैं वो अपने इमेजेस भी डालते हैं जब वो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके बाद। एंड रिव्यूज को देख के शी गेट अश्योर्ड दैट ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे भी हेल्पफुल हो सकता है। सो ये कुछ रीजंस मुझे स्कटलबट करके पता चले मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली से, जिसकी वजह से इन्हें नायका पसंद आता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम रिस्क जो नायका के बिजनेस के साथ है। द फर्स्ट रिस्क इज कॉम्पिटिशन। नायका सिर्फ अकेला नहीं है, मिंत्रा भी है, अमेजोन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, और ये सारे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, बट नायका सिर्फ एक स्पेसिफिक नीश में हो जाता है, एंड दैट इज वाई नायका बहुत अच्छा कर रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, बट देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर श्योर। द सेकंड रिस्क इज जो एक रिस्क भी हो जाता है और एक एडवांटेज भी हो जाता है, नायका अपने प्राइवेट लेबल्स भी सेल करता है। नायका के खुद के लिपस्टिक्स आते हैं, नायका के खुद के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। सो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इन्हें प्राइवेट लेबल कहते हैं, जो नायका खुद की वेबसाइट पे खुद के प्रोडक्ट्स सेल करता है। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से सेल होते हैं तो वो नायका के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल करके नायका अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। बट इन ऑपोजिट जो दूसरी कंपनीज है जो ये सेम प्रोडक्ट्स नायका के प्लेटफॉर्म पे सेल करती है, उनका नायका के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉम्पिटिशन हो सकता है, और इसी वजह से ये भी एक अच्छा खासा रिस्क हो जाता है नायका के बिजनेस में इन द फ्यूचर। सो दीज आर सम रिस्क विच आर एसोसिएटेड विद नायका बिजनेस, बट द थिंग इज नायका इज अ रियली ग्रेट कंपनी, एंड मुझे पर्सनली नायका बहुत ज्यादा अच्छी लगती है इन्वेस्टमेंट के लिए, बट द थिंग इज जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच्ड है। पी मल्टीपल की बात ना ही करें तो ही बेहतर है, बिकॉज 1066 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिल रहा है, एंड द थिंग इज जो ये स्टार्टअप बिजनेस है उनको पी मल्टीपल से हम वैल्यू नहीं कर सकते। सो प्राइस टू सेल्स वन ऑफ द पैरामीटर हम देखते हैं स्टार्टअप्स को वैल्यू करते समय, एंड प्राइस टू सेल्स मल्टीपल की बात करें तो इट इज 27 times। सो ये जो प्राइस टू सेल्स मल्टीपल है 27 times का, ये मुझे पर्सनली तो एक्सपेंसिव लगता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन नायका राइट नाउ। सो अगर ये और ज्यादा नीचे आता है, 800-900 के प्राइस पे आता है, तो मैं धीरे धीरे अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करूंगा नायका को, बट राइट नाउ आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन इट। एंड लेट मी टेल यू वन वेरी गुड थिंग अबाउट नायका, विच इज प्रमोटर होल्डिंग्स। नायका में जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो 52% के आसपास है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दिस शोज दैट जो प्रमोटर्स है दे हैव स्किन इन द गेम। एंड अगर हम नायका के कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो लास्ट 3 ईयर्स में नायका ने अपनी सेल्स को 62% CAGR से ग्रो किया है,
एंड नाइका ने अपने प्रॉफिट को 58% CAGR से ग्रो किया। सो यस, कंपनी इज ग्रोइंग रियली वेल, बट द थिंग इज मुझे फ्यूचर में भी और देखना है, एक या दो साल, कि कैसे कंपनी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को ग्रो करती है। एंड राइट नाउ जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच लग रहा है मुझे, एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन नाइका। बट यस, दिस कंपनी इज इन माय वॉच लिस्ट। आपके क्या थॉट्स हैं नाइका के रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज, डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।